की इसकी काफ़ी नॉर्मल सी है, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी की आपको मिलेगी, जिसपे जावा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी दोनों साइड, और इसका जो की स्लॉट है वो यहाँ साइड में आपको मिलेगा, जैसे जावा और यसडी की बाइक्स के अंदर मिलता है। और अब इसका एक जोस नोट आपको सुनाता हूँ, ड्यूअल एक जो सिस्टम आपको इस सेगमेंट में इस बाइक के अलावा और किसी बाइक में नहीं मिलेगा, और आइडल पे इसका साउंड ऐसा है। अब थोड़ा सा रेव करता हूं, तो भाई ये है ऑल न्यू जावा 350 जो भी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या इसका प्राइस है, ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल कैसे हैं, एग्जॉस्ट नोट कैसा है, इसकी सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटगो मोटो व्लॉग्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि इस बाइक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, जो पुराने टाइम पर जावा हमारी आती थी ना, बिल्कुल वैसे इसके लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल हैं। इंजन के अंदर भी चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले प्राइस आपको बताता हूँ, इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली में है 215,000 रुपये, और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आपको 249,500, 249,500 रुपये मिल जाएगा। तो 2.5 लाख रुपये के बजट में अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल वाली ओल्ड स्कूल टाइप की अगर बाइक परचेज़ करनी है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली बात यार, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है पहले से। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 178 mm का मिल जाएगा, पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। तो सिटी में जो थोड़े बहुत पोटहोल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उनसे बाइक बड़े आसानी से निकल जाएगी, आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बाइक की जो चेसी है वो न्यू है, ये न्यू चेसी के ऊपर बेस्ड है, तो डबल क्रैडल फ्रेम के ऊपर ये बाइक बेस्ड है। और इसके अंदर अब आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिल जाएगी, जो पहले नहीं मिला करती थी। और बात करते हैं इसके ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में। तो फ्रंट से देखो यार, फ्रंट से देखने में बाइक बिल्कुल एकदम ओल्ड स्कूल वाला डिज़ाइन और स्टाइल है इसका। हैलोजन टाइप की आपको इसके अंदर हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर जावा की बैजिंग भी है, और क्रोम की फिनिशिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और हेडलाइट जब ऑन होगी तो इसमें एक साइड में बल्ब दिया गया है हेलोजन, ये ऐसे ऑन हो जाएगा। और अब इसके अंदर हैजार्ड लाइट स्विच भी आ चुका है, जिसके साथ चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। काफ़ी मिनिमलिस्टिक टाइप के हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं, और हेडलाइट के ऊपर भी आप क्रोम की फिनिशिंग देख सकते हो, क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो इसके अंदर हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर भी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है, लुक्स को काफ़ी अच्छे एनहेंस कर रही है। और फ्रंट में ये आपने किसी बाइक के अंदर नहीं देखा होगा, फ्रंट में इसके अंदर ये हॉर्न दिया गया है, जिसके ऊपर आपको जावा की बैजिंग मिल जाएगी, जो ब्रास की फिनिशिंग के साथ में दी गई है, और क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे भी है। इसके अंदर ड्यूअल हॉर्न सेटअप दिया गया है, एक हॉर्न तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरा हॉर्न इसके अंदर यहाँ साइड में दिया गया है। जावा की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे ब्रास की फिनिशिंग के साथ में है, और क्रोम की फिनिशिंग उसके ऊपर भी है। और फ्रंट में आपको 35 mm के इसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मेटल का एक कवर दिया गया है, और ये मिस्टिक ऑरेंज कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार देखने में। अभी धूप में ये ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा, अभी हम शोरूम के अंदर हैं तो उतना अच्छे से ये कलर विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल परसों जब इस बाइक का राइड रिव्यू हम लेके आएंगे तब आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में ये कलर देखने में बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे आपको मेटल की कवरिंग देखने को मिल जाएगी, जो सस्पेंशन है उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, और जो फ्रंट फेंडर है ये पूरा मेटल का पार्ट है, और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है क्रोम की, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स भी हैं, जो पूरे फेंडर के ऊपर दी गई हैं, और कनेक्टिंग रोड्स के ऊपर भी आप क्रोम की फिनिशिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर आपको फ्रंट में 280 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जिसके साथ में ABS की रिंग भी है, ड्यूअल चैनल ABS बाइक के अंदर स्टैंडर्ड रखा गया है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे, हलो व्हील्स इसके अंदर नहीं आते हैं। फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर दिया गया है, और 18 इंच का व्हील है ये, और इसके अंदर ट्यूबलेस टायर है, लेकिन उसके साथ में ट्यूब भी दी गई है, तो इनकेस फ्यूचर में जब आप बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स डलवाओगे तो आपको टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर जो रेडिएटर है वो भी बिल्कुल नया आ गया है, जैसे अभी यसडी की रोडस्टर के अंदर जो रेडिएटर आया था बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर रेडिएटर आ गया है, जो न्यू है। और इंजन के बारे में आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6-speed ट्रांसमिशन वाला 334cc का लिक्विड कूल्ड DOSA इंजन मिल जाएगा, जिसके साथ में 6-speed गियरबॉक्स दिया गया है। सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को नहीं मिलता है, और DOSA इंजन भी सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं है। आउटपुट फिगर्स के बारे में बात करें तो 22.5 PS की इसकी मैक्सिमम पावर है, और 28 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है, और जावा की बैजिंग आपको इसके इंजन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। और ऑल ओवर फिनिशिंग इंजन की काफ़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी,
इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और एग्जो सिस्टम भी इसके अंदर ड्यूअल एग्जो सिस्टम दिया गया है जो इस सेगमेंट में किसी भी बाइक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं उसके ऊपर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी और राउंड शेप के दिए गए हैं, रेट्रो स्टाइल वाला लुक इनके अंदर आपको मिल जाएगा और पीछे से व्यू भी काफ़ी डिसेंट आने वाला है और इसके अंदर बहुत ही लाइट क्लच है यार। क्लच और जो ब्रेक लीवर है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर आपको ये ड्यूअल कलर स्कीम देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हो क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है और जावा का आपको यहाँ पे लोगो भी देखने को मिल जाएगा, 3D एम्बेड लोगो है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इसकी फ्यूल कैप है, फ्यूल कैप के ऊपर आपको ब्रास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, पीतल जिसको हम बोलते हैं ना उसकी फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है यार। इस पर लिखा हुआ है सिंस 1929। फ्यूल कैप के ऊपर क्रोम की फिनिशिंग भी है और यहाँ पे आपको मिस्टिक ऑरेंज कलर मिलेगा, उसके साथ में गोल्डन कलर की यहाँ पे स्ट्रिप देखने को मिल जाएंगी। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी जो सीट हाइट है वो 790 mm की है। मेरी हाइट 5'7" है तो एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट इसके अंदर रख सकता हूँ। सो आपकी हाइट अगर 5'5" के आसपास की भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। और इसके वेट के बारे में बात करें तो 184 kg इसका वेट है। बाइक बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है तो वेट भी इसका काफ़ी सही है, 184 kg इसका वेट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 13.2 liters की है और माइलेज इसके अंदर आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। माइलेज इसके अंदर आपको 35-40 kmpl के आसपास की बड़े आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि अब इसके इंजन को थोड़ा अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से ट्यून किया गया है ताकि ये माइलेज ज़्यादा ऑफर करें और पावर इसकी थोड़ी सी पहले से रिड्यूस की गई है तो माइलेज आपको पहले से ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी और इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड है और वाइब्रेशंस इसके अंदर आपको पहले से बहुत कम देखने को मिलेंगी। साइड पैनल पे भी मिस्टिक ऑरेंज कलर दिया गया है और यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी गोल्डन कलर की और यहाँ पे इसके अंदर टूल किट वगैरह और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। और इसकी सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, सीट की कुशनिंग अच्छी मिल जाएगी आपको और पिलियन के लिए भी स्पेस डिसेंट दिया गया है। पिलियन कंफर्टेबली बैठ के ग्रैब रील्स को होल्ड कर सकता है, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रील्स इसके अंदर दिए गए हैं। सीट पे पीछे आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और जो रियर फेंडर है, रियर फेंडर भी यार पूरा मेटल का पार्ट है और इसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे भी दी गई है। टेल लाइट इसकी हैलोजन टाइप की है पीछे और हैलोजन टाइप की ही आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे और इनके ऊपर भी क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है और यहाँ पे आपको साइड गार्ड भी देखने को मिल जाएगा और पीछे इसके अंदर 5-step एडजस्टेबल ट्विन शोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं जिसके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग आप देख सकते हो और ब्लैक कलर की इसके अंदर ये कोयल दी गई है। और पीछे वाले व्हील के बारे में बात करें तो यहाँ पे 130 सेक्शन का पीछे टायर दिया गया है जो ट्यूबलेस टायर है, लेकिन पीछे व्हील आपको 17 इंच का देखने को मिल जाएगा और पीछे भी स्पोक व्हील है बाइक में। 240 mm की पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर स्टैंडर्ड है और बाइब्री के ब्रेक कैलिपर ये आपको फ्रंट में मिलेंगे, बाइब्री का ही ब्रेक कैलिपर आपको इसके अंदर पीछे मिलेगा। इसके फुटरेस्ट की क्वालिटी भी यार काफ़ी अच्छी है, जो पिलियन वाला फुटरेस्ट है और जो राइडर वाला फुटरेस्ट है दोनों की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। राइडिंग पोस्चर भी इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, अपराइट राइडिंग पोस्चर आपको मिल जाएगा और बार एंड टाइप का इसके अंदर हैंडल बार दिया गया है और हैंडल बार के ऊपर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जो बार एंड्स दिए गए हैं ना इसके ऊपर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात करें तो जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें न्यूट्रल इंडिकेटर यहाँ पे है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी है, जावा की अंदर ब्रांडिंग भी है, फ्यूल गेज इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है और स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं ये एनालॉग टाइप का दिया गया है और बाकी जो फीचर्स है वो इसके अंदर डिजिटल दिए गए हैं। और स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाएगा, उसके आगे पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है, उसके नीचे हॉर्न बटन है और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए बटन दिया गया है, आई बटन, जिसके थ्रू आप कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। और ये इंजन किल स्विच दिया गया है, उसके नीचे हैजार्ड लाइट स्विच दिया गया है और उसके नीचे ये सेल्फ स्टार्ट बटन है। सो इसकी फिट एंड फिनिशिंग ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमें और सबसे बेस्ट पार्ट इसका लगा इंजन, 6-speed गियर बॉक्स, लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। ड्यूअल एग्जो सिस्टम भी है बाइक के अंदर, सो आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो बिल्कुल 2.5 lakh rupees के बजट में, ये बाइक भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। सो अगर आपको 2.5 lakh rupees के बजट में एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक लेनी है ओल्ड स्कूल वाली फिनिशिंग के साथ में, ओल्ड स्कूल वाले लुक के साथ में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सो आपको ऑल न्यू जावा 350 कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTK Motovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।